नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के फिर से एक नई वीडियो में। बहुत से लोगों के साथ ऐसा घटना हुआ होगा, यानी कि आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है आपको पता ही नहीं चलता। यानी कि किसी कार्य से जाते हैं आधार कार्ड में, किसी कार्य या कोई सरकारी काम में आपके आधार कार्ड पे जो भी मोबाइल नंबर रहता है उस पर OTP भेजा जाता है, लेकिन आपके पास वो मोबाइल नंबर ही होता नहीं है। तो कैसे आपको चेक करना है कि आपके जो भी आधार कार्ड है उसमें कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, कौन सा ईमेल लिंक है, यानी कौन सा एड्रेस लिंक है, आप कैसे देख सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल फोन से, इसी के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस जो मेन बातें हैं यानी कि कैसे पता करेंगे कि आपके जो भी आधार कार्ड है उस पर कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, तो ताकि आपके जो भी आगे कार्य है उसमें दिक्कत ना हो। तो चलिए बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों आप जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन हमने एक लिंक दिया है, जिस उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस वाले वेबसाइट पर चलेंगे। देख सकते हैं आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है यानी udi.gov.in के वेबसाइट पर चलेंगे। नहीं तो अगर आप शुरू से करें यानी गूगल क्रोम ब्राउज़र से करें तो udi.gov.in का इस तरह का लिखेगा। इस वाले साइट पर आएंगे तो सबसे पहले आपको यानी भाषा सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप जिस भी भाषा में करने वाले हैं। अब जैसे भाषा का उसमें क्लिक करेंगे तो बहुत सारा भाषा आ जाएगा। अब अलग राज्य से तो आपका भाषा अलग होगा, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, अपना भाषा सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हम इंग्लिश भाषा को रहने देते हैं। इंग्लिश भाषा सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से दूसरा काम करना है, आपको जो थ्री लाइन का दिखलाई दे रहा है थ्री लाइन पर आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन आपको ओपन हो जाए, माई आधार, अबाउट यू DID, इस तरह का ऑप्शन मिला जो दिखलाई दे रहा है माई आधार का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलेगा, देख सकते हैं देखना की हो तो आपको यहाँ से क्या कर दिखलाई दे रहा है दूसरा नंबर अपडेट योर आधार कार्ड का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे अपडेट योर आधार कार्ड का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाए, जो कि बहुत सारा ऑप्शन इसमें दिया गया है दिखलाई दे सकते हैं। अपडेट योर आधार डाटा यानी आपको आधार डाटा अपडेट कराना थी, यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह का मिला अपडेट एड्रेस योर आधार, इस तरह का ऑप्शन है। अगर आप एड्रेस अपडेट करना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, यानी बहुत सारा ऑप्शन दिखलाई ऊपर करेंगे दिखाई दे रहा है अपडेट एड्रेस इन योर आधार का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस नेक्स्ट पेज ओपन हो जाए, जो कि कुछ आपको डिटेल्स भरना होगा, जो कि पर्सनल डिटेल्स होगा आपका खुद का। जैसे यहाँ करेंगे लॉगिन का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं इस पर आपको ध्यान नहीं देना, आपको यानी कि नंबर पता करना है कि आपका आधार कार्ड में कौन सा नंबर पता है, तो आपको स्क्रोल डाउन कर देना है। स्क्रोल डाउन जैसे करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं इधर की ओर नीचे की ओर बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे वेरीफाई आधार, रिटेलेबिट ईआईडी आधार नंबर, तो जो दिखलाई दे रहा है वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल नंबर, इस तरह का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ देर इंतजार कर लीजिए, हो सकता है वेबसाइट थोड़ा स्लो काम करे, इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको ईमेल एड्रेस पता करना है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, मोबाइल नंबर पता करना है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जो भी पता करना है और उसके बाद क्या करना है, जैसे आधार नंबर आपको डाल देना है, आपको जो भी आधार में चेक करना है कि कौन सा मोबाइल नंबर है तो उस आधार नंबर को डाल देना है, जो कि 12 डिजिट का नंबर एंड 12 नंबर का होता है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना आधार नंबर डाल देना, उसके बाद आपको जो भी मोबाइल नंबर याद है आपके परिवार में, जो भी मोबाइल नंबर याद है यानी कन्फर्म नहीं है कि कौन सा मोबाइल नंबर दिए हैं आप, तो आपको जो भी मोबाइल नंबर आपने यूज किया है पहले या अभी जो यूज करें तो आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद ये जो कैप्चा दिखलाई दे रहा है ये वाला कैप्चा, इसमें आपको भरकर यानी सेंड OTP पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो चलिए हम एक आपको यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पर आपको बतलाते हैं। आपको अपना मोबाइल नंबर भरकर उसके बाद कैप्चा जो दिख रहा है यहाँ से कैप्चा भरकर उसके बाद सेंड OTP का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर अगर सही होगा तो दिख रहा है जैसे दिस नॉट मोबाइल नंबर यूर हैव द इंटरेस्ट डज नॉट मैच, यानी कि जो भी मोबाइल नंबर हमने भरा है वो गलत है, यानी कि इस आधार कार्ड में मैच नहीं है, यानी कि आधार कार्ड में ये मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। चलिए हम एक दूसरा यानी मोबाइल नंबर हमारे सदस्य में वो हम मोबाइल नंबर यहीं से डालते हैं, उसके बाद आपको आगे प्रक्रिया बतला। जैसे हमने दूसरा मोबाइल नंबर डाला उसके बाद यहाँ से सेंड OTP का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो भी मोबाइल नंबर OTP मोबाइल नंबर एड होगा आधार कार्ड में, इस तरह का ऑप्शन देख लें वेरीफाई OTP हैज बीन सेंड यू सक्सेसफुल, यानी कि आपके आधार कार्ड में यही मोबाइल नंबर एड है, इस तरह पता कर सकते हैं। और भी एक तरीका है, उसके माध्यम से हम आपको बतला देते हैं उस तरीके से कैसे आपको चेक करना है, ठीक है। इस तरह का अगर आपका चेक अपने मोबाइल नंबर पर यानी कि OTP गया होगा, समझ लीजिए कि यही आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक है, इस तरीके से भी पता कर सकते हैं। अब चलिए एक तरीका और हम बतला देते हैं, उस तरीके से भी पता कर सकते हैं।
तो दोस्तों दूसरा तरीका हम आपको बतला दें, तो आपको फिर से बैंक आ जाना है। बैंक आ जाने के बाद जो खिलाई दे रहा है वेरीफाई आधार का ऑप्शन, यानी देख सकते हो वेरीफाई मोबाइल, वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल नंबर हम लिखते हो चेक कर लिया है, यानी जो भी मोबाइल नंबर आपने डाला ओटीपी का इस तरह का आप चेक कर सकते हैं कि हाँ वही मोबाइल नंबर है। लेकिन एक और तरीका है जो कि यहाँ से चेक कर सकते हैं, वेरीफाई आधार का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करके, इस पर आपको क्लिक करना है, आपको आधार नंबर यहाँ से डाल देना है, उसके बाद ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसमें आपको डाल देना है, उसके बाद यानी जो दिखाई दे प्रोसीड एंड वेरीफाई आधार का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, चलिए हम अपना आधार कार्ड इसमें डालते हैं, यहाँ डालने के बाद प्रोसीड एंड वेरीफाई आधार का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी दिए होंगे यानी कि आपका आधार नंबर और उसके बाद आपको जो भी आप एज आपका दिखलाई देगा, एज आपका कितना है 20 से 30, उसके बाद आपका जेंडर क्या है मेल है और स्टेट आपका क्या है बिहार है और मोबाइल नंबर का आखिरी 3 अंक आपको दिखलाई देगा। ठीक है, इस तरीके से भी पता कर सकते हैं कि हाँ आपका मोबाइल नंबर में कौन सा लिंक है, आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके।